नागौर के एक युवक ने अनूठी पहल की। कोरोना काल में दरअसल जब मानवीय सेवा पशुओं के लिए बंद हो गई तो उस समय भामाशाहों के सहयोग से एक हेमंत टांक व्यक्ति ने गायों तथा बेजुबान पशुओं के लिए गौरथ सेवा प्रारंभ की। दरअसल इसमें यह मामला है कि घर में बची हुई सूखी रोटी, गुड़, रिजका या अन्य सामग्री जो पशुओं के खाने के लिए काम में ली जाती है, सुबह सुबह घर जाकर सभी शहरवासियों से इकट्ठा करना, फिर उन्हें नागौर के बाहर मेला मैदान या माही का मेला मैदान जहां भी लेकर पशुओं को खिलाना। वर्तमान में ये रोजाना 400 से अधिक पशुओं को खाना दे रहे हैं। अब इनकी एक गौरथ सेवा समिति बनी हुई है जो गायों व तथा बेजुबान पशुओं की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये नागौर सैनी है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष नागौर। हमारे संगठन के द्वारा कोरोना से ही गायों के लिए एक सेवा चालू की हमने। लगभग 4 लाख का भामाशाहों द्वारा शहरवासियों के सहयोग के द्वारा चारा डाला था। फिर हमने एक टैक्सी की शुरुआत की, जो टैक्सी जिसको हम गौरथ का नाम देते हैं, निस्वार्थ सड़क गौ सेवा रथ, ये हमारी समिति का नाम रखा गया है। इसके द्वारा शहरवासियों के सहयोग से जो गोवंश है निराश्रित, जो बाहर सड़कों पे घूमते हैं, उनको खिला दिया जाता है। लगभग 300-400 की संख्या में गोवंश हैं जिनको हम ये सेवा कंटिन्यू कोरोना से ये भी अभी तक ये लगातार चालू है। इसलिए हमारे संगठन के द्वारा ये जो कोरोना के टाइम जिस टाइम आदमी भी बाहर नहीं निकल रहे थे तो गोवंश भूखे थे, तो उनको ये मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान था कि भाई पशु पक्षियों की सेवा की जाए। उस टाइम से हमने ये मुहिम चालू की जो आज समिति के द्वारा कंटिन्यू चालू है। खर्चा हम ये निस्वार्थ सड़क गौ सेवा रथ समिति के द्वारा एक ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें भामाशाहों के द्वारा मासिक कोई 100-150-200 रुपये का सेव करते हैं, जिसके द्वारा ये खर्चा चलता है और 50 से 60 हज़ार खर्च है जो इस दानदाताओं के द्वारा सहयोग से ये समिति हमारा खर्चा वहन करती है। अभी हमारे ये डिग्री बाज़ार में शॉप है कॉस्मेटिक की, और हेमंत टाक सैनी नाम है, बस्सी मोहल्ला, और ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है जिसका जिलाध्यक्ष का जिम्मेदारी है।